क्लास टू लेक्चर नंबर फोर फोकस ऑन ग्रामर पेज ट्वेंटी फाइव प्लीज़ ओपन योर पेज ट्वेंटी फाइव ऑफ फोकस ऑन ग्रामर वर्क बुक आप अपने फोकस ऑन ग्रामर का पेज ट्वेंटी फाइव खोल लें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्क एम एज और आर इससे पहले लेक्चर में आई एक्सप्लेंड द यूज़ ऑफ एम एज और आर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एम इज और आर हम किन नाउंस और किन प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करते हैं लेट्स रिवाइज इट एम इज एंड आर टेल अस हाउ और वट समी और समथिंग इज एम इज और आर ये बताते हैं कौन क्या कर रहा है और कौन कैसा है जैसे अली इज अ बॉय अली एक लड़का है एंड अली प्लेंग अली खेल रहा है सो so, कौन कैसा है मैं हमने यूज किया अली इज अर अली खेल रहा है यानी कि अली क्या कर रहा है अली खेल रहा है अली इज प्लेंग रूल्स लेट्स रिवाइज द रूल्स विद सिंगलर नाउन एक नाउन के साथ एंड प्रो नाउन और सिंगलर प्रो नाउन के साथ वी यूज इज जैसा के ही सिंगुलर प्रोनाउन है शी सिंगुलर प्रोनाउन है इट सिंगुलर प्रोनाउन है सारा सिंगुलर नाउन है अली सिंगुलर नाउन है कैट सिंगुलर नाउन है बुक सिंगुलर नाउन है कोई भी चीज़ जो अकेली होगी वो जानदार हो या बेजान हो उसका नाम हो या प्रोनाउन हो उसके साथ हम इज यूज करेंगे ही इज अ बॉय ही इज प्लेइंग she is a girl, she is writing. it is a tree, it is waving. sara is a girl, sara is jumping. Ali is a boy, Ali is sleeping. Cat is an animal, cat is drinking milk. Book is on the table. so in तमाम चीजों के साथ जो singular हैं एक चीज हैं एक शख्स एक जगह एक जानवर एक एनिमल के साथ हम इज यूज करेंगे सेकेंड विथ प्लूर प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस जो नाउन्स जमा हों एक से ज्यादा हों और प्रोनाउंस जो एक से ज्यादा हों उनके साथ हम आर यूज करेंगे जैसा कि वी वी में हम बहुत सारे लोग होते हैं तो वी आर अगर आप ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपसे दूर हैं तो उनके लिए यूज होगा दे वी आर पाकिस्तानी वी आर प्लेइंग दे आर माई फ्रेंड्स दे आर वॉकिंग अली एंड सारा ये ज्यादा लोग हैं सिंगल है नहीं है प्लूरल है तो अली एंड सारा आर राइटिंग ऑन देर बुक्स कैट्स आर प्लेइंग कैट्स आर ड्रिंकिंग मिल्क बुक्स ज ऑन द टेबल नहीं होगा अगर एक बुक होगा तो इज यूज होगा अगर ज्यादा बुक्स होगी तो बुक्स आर ऑन द टेबल दिस इज एफ आर हम विद के साथ विद यू वी यूज आर यू अकेला हो या ज्यादा हो अगर आप किसी को कह रहे हैं कि तुम एक अच्छे लड़के हो तो आप कहेंगे यू आर अ गुड बॉय अगर ज्यादा लड़के हैं और उन्हें आपने यही बात कहनी है तो आप कहेंगे यू आर गुड बॉयज तो यू अकेला हो या ज्यादा हो तो आप उनके लिए यू यूज करेंगे यू अकेला हो तो भी और यू ज्यादा लोग हो तो भी आप यू यूज करेंगे लास्ट विद आई अपने साथ आप हमेशा क्या यूज करेंगे एम एम आई अ बॉय आई एम अ बॉय स आई एम अ बॉय आई एम अ गर्ल तो हम इनके साथ इसके साथ एम यूज करेंगे ना ओफ द क्वेश्चन अब इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया ना ओफ द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एम एज और आर नीचे जितने सेंटेंसेज हैं आपने इसको हेल्पिंग वर्ब एम इज और आर के साथ यूज़ करना है और एम इज़ और आर किन के मुताबिक लगाना है इन तमाम नाउन या प्रो नाउन के मुताबिक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन आई डैश अ स्टूडेंट ऑफ विंसम रेडिकल स्कूल आई के साथ क्या आएगा एस आएगा आर आएगा एम आएगा यस yes. आई के साथ हमने पढ़ा था कि हमेशा एम आता है आई एम अ गुड स्टूडेंट नेक्स्ट शी डैश अ ब्यूटिफुल गर्ल शी सिंगुलर प्रोनाउन है शी एक लड़की के बारे में बात हो रही है तो हमने बात की थी कि जब भी हम एक चीज एक लड़का एक लड़की एक जगह के बारे में बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं इज शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल उसके बाद इट इट हम बेजान चीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और जानवर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इट डैश अ हॉट डे टू डे डे के बारे में हो रही है तो इट के साथ हमेशा क्या लगता है एक चीज़ है तो इज लगता है नेक्स्ट इज डैश लेट अगेन दे डैश लेट अगेन दे ज़्यादा लोगों के बारे में यूज़ होता है प्लूरल के बारे में यूज़ होता है एक शख्स के बारे में यूज़ नहीं होता तो प्लूरल्स के साथ हम प्लू प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हमेशा क्या लगाते हैं आर तो क्या होगा दे आर लेट अगैन यू यू के बारे में हमने डिस्कस किया कि एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं या ज़्यादा चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं तो हमेशा आर आएगा देन आय यू आर टॉलर देन आय यहां पर यू सिंगलर है मगर फिर भी आर ही आएगा नेक्स्ट ही डैश माई अंकल ही सिंगलर प्रोनाउन है एक आदमी के बारे में बात हो रही है तो आएगा ही एज माई अंकल नेक्स्ट शी डैश अ टैक्सी ड्राइवर एक लड़की के बारे में बात हो रही है एक शख्स के बारे में बात हो रही है सिंगलर प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है तो क्या कहेंगे शी इज अ टैक्सी ड्राइवर द लास्ट वी हम ज्यादा लोग हम एक नहीं हैं हम ज्यादा लोग हैं वी आर प्लूरल प्रोनाउंस तो क्या होगा वी डैश फ्रॉम द पुलिस फोर्स वी आर फ्रॉम द पुलिस फोर्स नाउ स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये तमाम क्लियर हो गया होगा Aapne, again, you have to read these sentences and fill in the blanks according to it. Thank you so much. Allah Hafiz.